बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसमें, बहुत बड़ा धांधली है और सब इसमें मिल चुके हैं। तो कोरोना वायरस संकट की घड़ी में हम मुंबई का दौरा कर रहे हैं। हम मुंबई की चांदीवली विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां पर वार्ड क्रमांक 164 के नगर सेवक हरीश भांदिरगे जी से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कोरोना वायरस संकट की घड़ी में वार्ड में क्या अहम भूमिकाएं उनके द्वारा ली गई थीं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, कोरोना वायरस संकट की घड़ी चल रही है और लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, परेशान हैं लोग, ऐसे में आपके माध्यम से वार्ड में क्या अहम भूमिकाएं निभाई गई थीं? सबसे पहले मैं STV न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सही में अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए। और मैं इतना ही बोलूँगा, गत मार्च से जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, मतलब पहले दिन से मैं, मेरी पूरी टीम, जैसे साइंटिस्ट हो, उसके बाद में जो गरीब लोग हैं उनके लिए अनाज हो, उसी तरह जो आर्सेनिक एल्बम की 30 की गोलियां है, उसी तरह जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, जैसे अभी कैंप हर वार्ड में, हर एक गली में मैंने कैंप लिए हुए हैं। और मैं सही में इसमें अगर बोलूँगा, इसका पूरा अगर मैं श्रेय देना चाहूँगा तो हमारी सांसद पूनमताई महाजन जी को, क्योंकि एक वो ऐसी सांसद है कि हर दिन उनका फॉलोअप रहा है कि बाबा आप अभी क्या कर रहे हो और क्या चाहिए, जैसे सस्ते दर में मतलब सब्जी देना, मतलब नासिक से लेके इधर आना, उसी के साथ में जो अभी जो मज़दूर यहाँ से जो गए हैं उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था, खास करके उड़ीसा हो या उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, वहाँ पे जो ट्रेनें गई है, जो श्रमिक ट्रेन गई है, वो उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं इतना ही बोलूँगा कि इस घड़ी में सभी ने इतना मेहनत किया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि बाकी के मैं नहीं जानता कौन थे नहीं है, लेकिन हमारी सांसद से लेके कार्यकर्ता से लेके नगर सेवक से लेके आमदार तक सब लोग फील्ड पे उतरे थे और सभी लोगों ने अच्छा काम अभी तक कर रहे हैं। संकट की घड़ी में आपकी अहम भूमिका रही है, वार्ड क्रमांक 164 में नगर सेवक हैं भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे में जो लोग दिहाड़ी पर काम करते थे, ऐसे लोग, कई लोग यहाँ से रवाना हुए हैं अपने गांव के लिए, मगर जो लोग यहाँ पर आज भी रह रहे हैं, ऐसे लोगों को बिजली बिल है या स्कूल की फीस है या ऐसे अनेक पैसों की जो सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में जो बिल है वो माफ़ होना चाहिए सरकार के माध्यम से, आप की इस पे क्या राय है? 100%, 101% माफ़ होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद जो अभी अडानी है इलेक्ट्रिसिटी है उनको लेटर दिया है, मैंने पत्र दिया है और उनको कहा है कि आने वाले 15 दिन में अगर आप जो बिजली के दाम है जो दिए गए हैं मीटर नहीं, मतलब रीडिंग करके, तो वो दाम आप प्रॉपर मीटर रीडिंग करके वो कम कर दीजिए, अगर नहीं होता है तो मैं भव्य मोर्चा लेके जाने वाला हूँ। और उसकी एक पहल कल 11:30 बजे मैं अडानी के ऑफिस में उनसे एक मीटिंग लेके उनको एक चेतावनी देने कल 11:30 बजे जाने वाला हूँ मैं। महानगर पालिका की बात करें तो मुंबई में, और ऐसे में सरकार की बात करें तो सरकार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, NCP और शिवसेना की है, तो ऐसे में मुंबई के जो मुंबईकर हैं, बड़ा सवाल है उनके लिए कि लाइट बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में 4 महीने हो गए हैं लॉकडाउन के, और ये कंपनियां जो हैं बार बार उन्हें फ़ोन कर रही हैं, कॉल्स कर रही हैं, जो लोन थे वो भी लोन कंपनियां भी बैंक्स फ़ोन कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों के लिए क्या राहत पहुँचानी चाहिए? सच में इस दौरान जैसे काम करना चाहिए था हमारी महानगर पालिका हो या महाराष्ट्र सरकार हो, उन्होंने कुछ भी नहीं काम किया है। आप देख सकते हैं कि विरोधी पक्ष नेता पूरा महाराष्ट्र में, हमारे जो देवेंद्र फडणवीस जी है वो पूरा महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, और यहाँ के मंत्री हो या यहाँ के सम्माननीय मुख्यमंत्री हो, अभी तक क्यों नहीं दौरा कर रहे हैं? और जैसे घर घर जाके
कोरोना की टेस्टिंग करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, लोगों को एम्बुलेंस नहीं समय पे मिल पाई, इसके लिए बहुत सारी जाने भी गंवा चुके हैं लोग, लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल पाने के वजह से जाने गई है लोगों की, और बहुत सारा अनुभव ये 3-4 महीने में मुझे इतना अनुभव आया है, बहुत बुरा अनुभव आया है। बहुत सारे लोगों को अगर डायलिसिस अगर करना है तो नहीं मिल पाने की वजह से उनकी जाने गई है, तो बहुत दुखद रहा ये। मौसम भी कहीं ना कहीं बारिश की शुरुआत हो गई है, ऐसे में वार्ड की अगर बात करें तो वार्ड में कहीं ना कहीं मुंबई में बात करें छोटी सी जो बारिश हुई 2-3 दिन और बारिश में पानी रोडों पर नज़र आया है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं यही बोलूँगा कि जो महानगर पालिका में सरकार बैठी हुई है शिवसेना की, उन्होंने क्या काम किया है पूरा मुंबई कर ने देखा है, और पूरा मुंबई कर अभी भली भांति जानते हैं कि आने वाले समय में उनके लिए क्या करना है। मैं इतना ही बोलूँगा कि जगह जगह अगर अभी तक बारिश नहीं चालू हुई है और इतना पानी भर रहा है, तो जो इनको पैसा दिया गया है, महानगर पालिका ने कंत्राटदार को पैसा दिया है, तो पैसा क्यों दिया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए, अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, और जो भी संबंधित व्यक्ति है उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो महानगर पालिका में काम नहीं हुआ है, पानी छोटी सी बारिश में हुई है, दो दिन तीन दिन उसमें भी पानी रोडों पर नजर आया है, महानगर पालिका में जो फंड आया था कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल नहीं हुआ, आपका ऐसा कहना है? सरकार की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना वायरस ने लोगों को अपना शिकार बनाया, मुंबई की बात कर सकते हैं, मुंबई में सबसे ज़्यादा आंकड़े पूरे देश में नज़र आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये पूरा सरकार जो है, जो आघाड़ी की सरकार है, पूरा विफल सरकार है, और इसी के नाते आप देखिए ना, आप बाजू के राज्यों को देखिए और हमारे महाराष्ट्र मुंबई को देखिए, आपको खुद को खुद मालूम पड़ जाएगा कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी है। अगर यहाँ पे तुरंत उसी वक्त अगर इंतज़ाम अगर किए होते थे तो इतना हाल नहीं होता था। आज जो हाल है मैं खुद 4 महीने से देख रहा हूँ, लोगों को एम्बुलेंस वक्त पे नहीं मिल रही है, लोगों को बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे, लोगों को हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं हो रहे, और उसी के साथ में अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो 5 लाख 10 लाख आम आदमी कहाँ से देगा, तो ये पूरा विफल सरकार है। और आपके कामों को लेकर बात करते हैं, 164 वार्ड में आपके माध्यम से क्या काम किए गए हैं, आप कार्य सम्राट रहे हैं, लगातार आपको दोबारा मौका दिया है, आपके कामों ने, जनता ने आपको एक बार फिर से मौका दिया है, तो आपने क्या काम किए हैं वार्ड के लिए? मैं एक ही बोलूँगा और हमेशा मैं बोलता भी हूँ कि लोगों ने जो मेरे वार्ड के लोगों ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, भरोसा दिखाया है, वो मैं भरोसा हमेशा रखूँगा। और जो मेरे वार्ड में मतलब 2-3 उदाहरण बताऊँगा जो मैंने बड़े बड़े काम किए हैं। एक तो गैबनशाह स्कूल है, उर्दू स्कूल है, वो पूरा उसका नूतनीकरण किया गया है। उसी तरह हमारे वार्ड में या आजू बाजू विभाग में बच्चों को गार्डन नहीं था, तो कमानी फिनिक्स मॉल के पीछे प्रमोद जी महाजन उद्यान हमारी जो सांसद है पूनमताई महाजन जी, इनके मार्गदर्शन से बना हुआ है। और अभी 6 महीने पहले ही नौपाड़े में म्युनिसिपैलिटी स्कूल है, तो उसका हम लोग 6 माले का स्कूल बना रहे हैं, उसका भी हमने भूमि पूजन किया हुआ है। तो हमारी जो सांसद है पूनमताई महाजन जी, इनके मार्गदर्शन से ये सब बड़े बड़े काम हुए गए हैं। और एक आपके जानकारी के बता रहा हूँ, 1 महीना पहले ही, क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है, इसके लिए पानी की हमेशा दिक्कत होती है, सुंदरबाग हो या संजय नगर हो, अशोक नगर हो, सभी जगह पे। तो आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि प्रमोद महाजन उद्यान में 14 लाख लीटर टाकी, अंडरग्राउंड टाकी हम लोग पानी की बना रहे हैं, और उसका हमने काम भी चालू हुआ है। इस सिलसिले में हमारी जो सांसद है पूनमताई महाजन जी, इन्होंने लगातार जो महानगर पालिका के कमिश्नर है उनसे मुलाकात करके जो उनको लेटर लिखना है और क्या फॉलोअप लेना है, उसके साथ में जो भी ज़रूरत है वो करके, उसका अभी फलित ऐसा है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में पूरा वार्ड जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे पानी पानी होने वाला है। आपके कामों को देखते हुए लोगों ने, जनता ने आपको एक बार फिर से मौका दिया, ऐसे में जो जनता आपको चाहती है उन लोगों को कोरोना वायरस संकट की घड़ी में क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
मैं एक ही बोलूँगा मेरे विभाग के जनता को और सभी जो जनता है कि अपने आप को सुरक्षित रखे, अपने परिवार को सुरक्षित रखे और उसी के साथ में अपने जो मन है जो उसको भी सुरक्षित रखे। क्योंकि क्या है कि ये जो विफल सरकार है उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, तो उसके वजह से बीमारी तो बढ़ रही है, उसी के साथ में जो आर्थिक परिस्थिति होती है घर की वो भी बिगड़ रही है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मन को शांत रखे, अपने परिवार को सुरक्षित रखे और अपने जो आजू बाजू में जो अपने सगे संबंधी है उनको भी कैसे सुरक्षित रखे, ये मैं अपील करना चाहूँगा। तो कोरोना वायरस संकट की घड़ी में हम चांदीवली का दौरा कर रहे हैं, 164 वार्ड में हम पहुँचे थे और नगर सेवक हरीश भांदिरगेसर से हमने चर्चा की है। जाना है वार्ड में, हालातों को जाना है, मुंबई महानगर पालिका के हालातों को जाना है। तो खास मुलाकात में आज इतना ही, दीजिए इजाजत फिर किसी शख्सियत के साथ, हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।